आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की कोयटा में मस्जिद पर हमले की मजम्मत सामने आई है। दहशतगर्द हमले की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। हमले में जख्मी होने वालों को तमाम तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा में मस्जिद पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों ने कोयटा मस्जिद में नमाजियों को निशाना बनाया। कोयटा में मस्जिद पर दहशतगर्द हमले की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि शहीद डीएसपी हाजी अमानुल्लाह बहादुर और मिसाली ऑफिसर थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा में मस्जिद पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि कोयटा में मस्जिद पर दहशतगर्द हमले की फौरी रिपोर्ट तलब की है। दहशतगर्दों ने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए लोगों को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म का कहना था कि जख्मियों को तमाम तिबी सहूलतें फराहम की जाएं। गुज़िश्ता शाम बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के इलाके सेटेलाइट टाउन की मस्जिद में नमाज मगरिब के दौरान खुदकुश हमले में 15 नमाजी शहीद जबकि 40 जख्मी हो गए थे। शोहदा में डीएसपी अमानुल्लाह भी शामिल हैं जो कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सरयाब रोड पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे।